कथम न ज्ञेय अस्माभि पापादअस्म निवर्तिम कुल कृतम दोषम प्रपश्यदिर्जनार्दन नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का उनचालीसवां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थों को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कथम न ज्ञेय अस्माभि अर्थात कैसे नहीं हम जान पाए पापाद अस्मा अर्थात इस पाप से बचने के लिए कुलक्षय कृतम दोषम अर्थात परिवार की हानि करने के दोष को प्रपश्यत भिर जनार्दन अर्थात देख हम देख सकते हैं ओ जनार्दन तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि जो ये युद्ध हो रहा है इससे जो कुल का नाश होगा उसको हम देख सकते हैं वो जनार्दन और अपने पाप से बचने के लिए हम इस बात को क्यों नहीं जान पाए तो जो पिछला श्लोक है 38वां श्लोक उसी से जो है ये श्लोक संबंधित है वास्तव में अड़तीस और उनचालीस वाले दो जो श्लोक हैं ये दोनों एक ही बात को बता रहे हैं तो जो 38वां श्लोक है जो कि कल के वीडियो में हमने देखा वहाँ पर अर्जुन बोल रहे थे कि जो कौरव हैं वो अपने अपने लोभ में इतने गिर गए हैं कि वो जो कुल का नाश हो रहा है उसको देख नहीं पा रहे हैं और वो कुल के नाश का कारण बन रहे हैं अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि लेकिन हम तो देख सकते हैं इस बात को जनार्दन हम तो देख सकते हैं कि इससे परिवार का नाश होने वाला है तो हम क्यों नहीं जान पाए कि हम अपने पाप इस पाप से बचने के इस वार को कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए इसको हम क्यों नहीं जान पाए ऐसा वो बोल रहे हैं तो आपने देखा होगा इस श्लोक को अच्छे से समझाने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ तो जैसे आपने सुना होगा कि हमारे समाज में कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि जब कुछ बुरा हो रहा होता है और उसको वो उससे लड़ने के लिए जब कभी कोई दूसरे लोग जा रहे होते हैं कि यार ये तो अधर्म हो रहा है इससे हमें युद्ध करना चाहिए लड़ना चाहिए तो कई बार हमें ऐसा बोला जाता है कि अरे हमें उनके स्तर पर नहीं गिरना चाहिए जैसे वो करते हैं वैसा हमें नहीं करना चाहिए विशेष रूप से जब दंगे होते हैं तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि जैसे यदि मुसलमान कुछ बुरा करते हैं तो हिंदुओं को बोला जाता है कि अरे हमें उनके स्तर तक नहीं गिरना चाहिए यदि वो ऐसा करें तो हमें भी वैसा नहीं करना चाहिए तो ठीक उसी प्रकार की बात कुछ यहाँ पर हो रही है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि वो तो अपने लोभ में इतने गिर गए हैं कि वो कुल का नाश करने वाले हैं तो हमें उनके स्तर पर नहीं गिरना चाहिए कुल का नाश नहीं होना चाहिए इसलिए हमें इस युद्ध को नहीं करना चाहिए तो इस प्रकार की बात वो बोल रहे हैं इसके कुछ उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे जैसे गांधी जी से संबंधित एक बात है वैसे मुझे गलत न समझें मैं गांधी जी का बहुत आदर करता हूँ मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और हमें उनकी बहुत सारी बातों का अनुसरण करना चाहिए केवल उनकी कुछ बातें थी जो कि मुझे लगता है व्यवहारिक नहीं थी और उनमें से एक बात ये भी थी तो उन्होंने वास्तव में अपनी किसी तो जब वो सुबह अपने आश्रम में प्रार्थनाएं करते थे तो वहाँ पर उन्होंने एक बार भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने बोला था कि हिंदुओं को मुसलमानों के हाथों मर जाना चाहिए परंतु हिंसा नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से उन्होंने बोला और उनका जो वहाँ पे उद्देश्य था वो वास्तव में यही था कि वो जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे उसके बीच की कड़ी को तोड़ना चाहते थे और वो सोचते थे, थे कि हिंदुओं के द्वारा ही जो है इस कड़ी को तोड़ा जा सके तो उनके उसके पीछे भी उनका एक कारण था मैं उनकी उनका दोष नहीं बोलूँगा किंतु उस उस वाक्य का उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पे गीता के इस संदेश को समझने के लिए कि कई बार ये होता है कि जब अधर्म अति करने लगता है तो उसके विरुद्ध आपको बल का उपयोग करना ही पड़ता है और जैसा कहते हैं कि लोहे को लोहे से ही काटा जाता है तो कई बार उस प्रकार का ही उपयोग करना पड़ता है जैसे आज के समय में यदि आप देखें तो जो मुस्लिम कट्टरपंथ है उससे मुझे लगता है कि पूरा जो सभ्य समाज है इस समय पीड़ित है और जो सभ्य समाज है आज का वो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और अपने धर्मनिरपेक्षता वाले मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और मुझे लगता है कि ये मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है तभी सभ्यता बनी रह सकती है किंतु इन मूल्यों के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा इस समय पर है वो जो ये Uh, कट्टरपंथी है जो और विशेष रूप में मुझे लगता है कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो इसका सबसे बड़ा इसके पीछे का बहुत बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए बहुत से राष्ट्र आज के समय पे कुछ इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं कि वो इस्लामिक कट्टरपंथ को कम कर सकें जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रांस में भी हो रहा है और भारत में भी मुझे लगता है कि हो रहा है चीन में भी हो रहा है ये इस्लामिक कट्टरपंथ के विरोध में कुछ कार्य तो चलिए चीन को तो हम रहने देते हैं पर किंतु भारत और जो फ्रांस है वो दोनों ही राष्ट्र जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और यदि इस प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथ हो रहा है तो निश्चित रूप से इन राष्ट्रों को इससे बचने के लिए इस्लामी सोच विचारधारा के विरुद्ध कुछ कार्य करने पड़ेंगे और जब इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं तो इन राष्ट्रों पर कई बार इस प्रकार का दोष लगाया जाता है कि आप तो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं किंतु आप एक मजहब विशेष के विरोध में विरोध में जा रहे हैं तो यहाँ पे लोग ये नहीं समझते हैं वास्तव में कि क्योंकि इस्लामिक कट्टर पंथ जो है वो जो धर्मनिरपेक्षता के हमारे मूल्य हैं उनके लिए खतरा है तो जो धर्मनिरपेक्षता धर्म के जो मूल्य हैं उनको बचाए रखने के लिए ही जो है ये कार्य किए जा रहे हैं तो जैसे लोहा लोहे काटता है उसी प्रकार से किया जा रहा है कि भाई आप यदि आप इन मूल्यों के विरुद्ध जाएंगे तो आपके विरुद्ध ही फिर कार्य होगा सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए ही जो है फिर आपको एक विशेष मजहब के विरुद्ध जाना पड़ेगा तो ये बात होती है जो कि हमें समझनी चाहिए कि आ, जब कोई अधर्म कर रहा होता है तो उसको ये आशा नहीं करनी चाहिए कि उसके साथ धर्म के रूप में ही व्यवहार किया जाएगा अधर्मी के विरुद्ध अधर्म का उपयोग किया जा सकता है और ऐसा हम आगे महाभारत में देखते भी हैं तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि आ, कि जब कभी भी अधर्म होने लगता है तो उसके विरुद्ध खड़े होना ही पड़ता है आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अहिंसा करूंगा तो मैं अहिंसा हर स्थिति में ही करूंगा वो जो है वो फिर अधर्म की ओर चली जाएगी तो ये जो विचारधारा है ये मुझे लगता है कि जैन विचारधारा या बौद्ध विचारधारा के थ्रू आती है कि उसमें ये बोला गया कि हमें संपूर्ण रूप से नॉन वायलेंस या अहिंसा का पालन करना चाहिए तो उसी विचारधारा को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि झुटलाया जा रहा है क्योंकि गीता इस प्र इस बात को नहीं मानती है गीता ये बोलती है कि यदि अधर्म हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपको लड़ना ही पड़ेगा यदा यदा हित धर्मस्य जैसा कि श्री कृष्ण आगे बोलेंगे तो इस बात को हमें समझना चाहिए ये जो दो श्लोक हैं अड़तीस और उनचालीस ये दोनों ही श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वास्तव में बताते हैं कि किस प्रकार से जो सभ्य समाज है उसमें कई बार इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं आप देखिए कि युधिष्ठिर जो थे उन्होंने कितना कितनी सारी बातों को सहा यानी यहाँ पे जो बोल रहे हैं अर्जुन की वो तो जो है लोभ में आ गए हैं और हमें युद्ध नहीं करना चाहिए परंतु तो आप ये देखिए कि युधिष्ठिर ने जो है अपना आधा राज्य पहले ही दे दिया था और अपनी जो वो तो फिर इंद्रप्रस्थ चले गए थे और तो वहाँ से उन्होंने राज्य किया उनका वो राज्य भी दुर्योधन ने छीन लिया फिर चौदह तेरह साल का वनवास जो था वो रखा उनको फिर चौदहवें साल में अज्ञातवास तो फिर उसके बाद में जब वापस आए तो वापस आके भी उनको उनका राज्य देने से इनकार कर दिया उन्होंने पाँच राज्य पाँच गाँव मांगे वो पाँच गाँव देने से भी मना कर दिया दुर्योधन ने तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पांडव हैं वो अपने लोभ के लिए यहाँ पे युद्ध नहीं कर रहे हैं वो एक अधर्मी व्यक्ति को हटाने के लिए यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं और अधर्मी व्यक्ति को हटाने के लिए युद्ध करना ही पड़ता है वहाँ पे भले ही फिर आपके कुल का नाश हो चाहे जो भी हो अधर्म को हटाना सबसे महत्वपूर्ण होता है तो ये संदेश है जो कि गी गीता में हमें बार बार देखने को मिलेगा तो आशा करता हूँ कि जो ये दो श्लोक हैं उनको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए उसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ नमस्ते